आज की इस वीडियो में आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है कि अगर आपके पास भी कोई सा बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, या फ्लिपकार्ट का, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो, HDFC का हो, या SBI का, कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो मेरे पास है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, तो इससे मैं आपको क्या करने वाला हूँ, ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ बैंक अकाउंट कैसे इसे पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कैसे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, यानी आपका प्रॉब्लम सोल्व होने वाला इस वीडियो में। लेकिन हाँ, कुछ परसेंटेज आपको चार्ज देने होंगे, पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं। ये नहीं कि एंड में जाइएगा आप बोलेंगे कि परसेंटेज देना पड़ेगा, आप बोलिएगा तो मेरे को फ्री में करना था, लेकिन हाँ आपको ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा, 1% या 2% आपको हो सकता है लगे। अगर 100 रुपये ट्रांसफर करिएगा तो 1 रुपये ही आपको देना होगा। मैं ट्रांसफर कर लिया हूँ, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं मोबाइल को, एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है मूवी क्यूब। जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ पर आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और अपडेट कर लेना है, ठीक ना। उसके बाद उसमें वीडियो के KYC जो करना है आपको कर लेना है, अगर नहीं करना आता आई बटन पर लिंक मिलेगा, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद उसको ओपन करना है आपको मूवी क्यूब को। अब जैसे ही ओपन करिएगा तो इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि दे सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, दे सकते हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, और एक मिलेगा वॉलेट टू बैंक अकाउंट, देख सकते हैं दो ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो फ्री है एकदम। इस पर क्लिक करेगा तो इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा, ट्रांसफर नाउ का नीचे में ऑप्शन है, ठीक ना। तो ट्रांसफर नाउ पर जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, UPI डालने का ऑप्शन आएगा, यानी UPI में भी ले सकते हैं या बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं, जहाँ आपका मन वहाँ आप ले सकते हैं। चलिए मैं UPI ID यहाँ डालता हूँ, इसी में मैं क्रेडिट कार्ड से जो पैसा ट्रांसफर करेंगे इसी में आएगा मेरा, ठीक ना। चलिए वेरीफाई यहाँ पे कर लेते हैं, मेरा वेरीफाई हो गया जैसे कि दे सकते हैं। कितना यहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे दे सकते हैं 100 रुपया, चलिए मैं टाइप करता हूँ क्योंकि मैं 100 रुपये हूँ करके आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। चलिए 100 रुपये यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया हूँ। उसके बाद यूरो का चीज है नेक्स्ट, नेक्स्ट पर क्लिक करना है सिंपली। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा नीचे में कुछ टर्न और कंडीशन आएंगे तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, करते हैं पे का ऑप्शन है नीचे, फाइनली पे पे क्लिक करना है, ठीक ना, टिक पे क्लिक नहीं करिएगा। उसके बाद नीचे में ऑप्शन आ जाएगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आपको फिल करना है, जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसका नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। चलिए नंबर को यहाँ पर मैं फिल करता हूँ, ऑप्शन है पे पे क्लिक करना। जैसे ही पे पे क्लिक करिएगा कुछ सेकंड आपको वेट करना है, प्रोसेसिंग होगा यहाँ पर, जैसे कि देखते हैं मेक पेमेंट यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन हाँ जितने भी चार्ज हैं आपको उसी में कट जाएंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 102 रुपये मेरा ट्रांसफर हो रहा है, 102 रुपये 95 पैसे, यानी लगभग 3 रुपया मेरे को चार्ज कर रहा। चलिए यहाँ पे कोड एक आएगा मोबाइल नंबर पे, उसको यहाँ पर फिल करना, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है ना क्रेडिट कार्ड से उस पर मोबाइल नंबर जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर फिल कर लेते हैं, यानी 100 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं, 102 रुपये 95 पैसे मेरे को कट रहा है क्रेडिट कार्ड से। कन्फर्म का ऑप्शन है, कन्फर्म पर सिंपली क्लिक करना। जैसे यहाँ पर वेट करेंगे यहाँ पर सक्सेसफुली फाइनली यहाँ पर रखते हैं, चलिए पासवर्ड को सेव करना है, फाइनली यहाँ पर रखते हैं जो सक्सेसफुली हो गया, ऊपर मैसेज भी आ गया, मेरा 100 रुपीज़ यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली यहाँ पे लिख दिया जाते हैं। एक्सिस बैंक की तरफ से भी मैसेज आ गया कि क्रेडिट कार्ड से आपका पैसा कट गया है, 102 रुपये 95 पैसे उसी में कटेगा, अलग से नहीं दे रहा आपको, क्रेडिट कार्ड से ही चार्ज आपको कट जाता है। तो देखते हैं ट्रांसफर फाइनली यहाँ पे हो गया। अब मेरा कहाँ जाएगा, पेटीएम का मैंने डाला था UPI ID, वहाँ पर जाएगा। मैं स्क्रीन शॉट आपको बगल में दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीका से आप भी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा अपने बैंक अकाउंट में, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 रुपया 95 पैसे मेरे को चार्ज लगा। कैसा ये छोटा सा वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मन में कोई सवाल हो, वीडियो में कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ मैसेज करिए, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। कैसा ये वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इस कॉन्टेंट आपको देखने को मिलते रहते हैं इसी चैनल पर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।